आगामी 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होंगे, जिसको दृष्टिगत रखते हुए संघ द्वारा एक थाली एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे महाकुंभ में पर्यावरण सहेजा जा सके। दरअसल 13 जनवरी से 45 दिवसीय महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होने वाला है, जहां अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर भोजन आदि में करीब 40,000 टन कचरा होने का अनुमान है, जिसको देखते हुए शहर के गायत्री मंदिर में संघ के पदाधिकारियों द्वारा बैठक कर महाकुंभ की जानकारी दी गई। वहीं महाकुंभ को हरित कुंभ बना पर्यावरण सहेजने हेतु प्लास्टिक मुक्त करने, भोजन के लिए पत्तल की जगह थाली और कचरा संग्रहण के लिए कपड़े का थैला तीर्थयात्रियों को देकर हरित कुंभ बनाए जाने को लेकर एक थाली एक थैला संग्रहित करने का अभियान चलाया जा रहा है। जो हरित कुंभ जो प्रयागराज में महाकुंभ जो होने वाला है, उसके लिए एक बैठक हुई है, जिसमें बड़वानी नगर के गणमान्य नागरिक अच्छे से पधारे और अच्छे से कार्यक्रम हुआ। इसके अंदर जो है सबसे अच्छी बात जो है प्लास्टिक मुक्त कुंभ, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो, इस कदम के ऊपर आगे बढ़े हैं और ये कार्य बहुत अच्छा लगा और हमें सभी ने अपनाना चाहिए कि हम आगे चलकर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। इसमें क्या बात रखी गई आगे? इसमें 5 तरह की बातें रखी गई है, जिसमें सबसे प्रमुख चीज़ ये रखी गई है कि अपना जो महाकुंभ हो रहा है उसमें प्लास्टिक का उपयोग ना हो, एवं जो कचरा जितना भी निकले है उसे अपन इधर उधर न फेंक करके एक कपड़े का झोला रहे उसके अंदर रखें। तो इस प्रकार से जो है एक थाली और एक झोले का जो इंतजाम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय और एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है।